निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए तथा निजी संस्थानों के नियमन के लिए तुरंत जो है एक अध्यादेश जारी करे, और इसके साथ साथ जो ये जो मनमानी फीस वृद्धि जो है निजी स्कूलों के द्वारा जो की गई है इस पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए। यदि हम देखें प्रदेश की सरकार जो है पिछले कई वर्षों से जो है निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने में जो है पूर्णतः विफल रही है, और हाल ही में जो प्रदेश सरकार का बयान आया है कि ये जो निजी स्कूलों की मनमानी फीस का जो मुद्दा है उसको लेकर जो है छात्र अभिभावक व निजी स्कूलों के प्रबंधन जो है आपस में मिलकर जो है इसको सुलझाए, ये बिल्कुल जो है प्रदेश की सरकार निजी स्कूल प्रबंधनों के दबाव में आकर जो है इस प्रकार के बयान दे रही है। और जिस प्रकार से पिछले वर्ष प्रदेश की सरकार ने समय समय पर आदेश दिए थे कि निजी स्कूल जो है केवल मात्र ट्यूशन फीस ही जो है वो छात्रों से ले सकती है, परंतु अब जो है सरकार के इस बयान के बाद जो है निजी स्कूल जो है पूरी मनमानी पर उतर गए और एनुअल व अन्य चार्जेस लेने के लिए जो है वो छात्रों व अभिभावकों जो है बाध्य कर रहे हैं, और कई स्कूलों ने तो जो है इसको लेकर छात्रों व अभिभावकों को प्रताड़ित करना भी आरंभ कर दिया। और सरकार की इस लचर व्यवस्था के चलते जो है निजी स्कूलों के द्वारा जो है अभी हाल ही में जो आगामी वर्ष है इसको लेकर 12% से जो है 20% की वृद्धि जो है वो फीस के अंदर कर दी, और अब वो जो है निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर कर जो है इस फीस को हासिल करने के लिए जो है छात्रों व अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमारी पार्टी CPIM जो है तुरंत मांग करती है, अगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको जो है अपने स्कूल चलाने में जो है वो दिक्कत हो रही है, तो जो राहत सरकार के पास कोविड काल के दौरान जो है वो राहत राशि आई है उसमें से जो है इन स्कूलों को राहत प्रदान करें, क्योंकि प्रदेश की सरकार जो है ऐसे भी कोविड काल के अंदर जो है जनता को राहत देने में पूरी तरह से विफल रही है। तो इस राशि का इस्तेमाल जो है इन स्कूलों को जिन स्कूलों में जो है वो आर्थिक रूप से जिनको दिक्कत आ रही है उनको जो है इसमें जो है राहत प्रदान की जाए। इसके साथ साथ प्रदेश की सरकार से CPIM मांग करती है कि तुरंत जो है इस अध्यादेश को लाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जो है पार्टी छात्रों व अभिभावकों के संगठनों के साथ मिलकर अगर सरकार जो है तुरंत इस अध्यादेश को नहीं लाती है तो पार्टी जो है वो एक आंदोलन खड़ा करेगी। और